हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फिर हम एक न्यू वीडियो लेकर आए हैं, जो टॉपिक हमारा संट सिग्नल। संट सिग्नल क्या होता है या किस कार्य में किया जाता है, ठीक है, और यह क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, आप वीडियो शुरुआत करने के पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और कुछ डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। और आप चाहते हैं कि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाए, तो इसके लिए आपको सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल करना होगा, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए, हमारा संट सिग्नल इस तरह से कुछ रहता है, ठीक है, इस तरह से कुछ रहता है संट सिग्नल, ठीक है। यहाँ पर एरो बना हुआ था, ठीक है, और यहाँ पर तीन लाइट व्हाइट कलर का जलता है, ठीक है। इस तरह इसमें स्टार की तरह से कुछ लाइट जलते हैं, ठीक है। तो इसके जलने का दो प्रकार के, मतलब दो रूप से जलते हैं, ठीक है, या एक अकेले रहता है, ठीक है। ट्रैक पर देखिएगा, अकेले ये रहेगा, अकेला, ठीक है। तो इसको कहेंगे इंडिपेंडेंट रूप से, ठीक है, इंडिपेंडेंट रूप से। और यहाँ होम सिग्नल आउटर सिग्नल पर ये नहीं दिया जाता, ठीक है। उस ये सिर्फ स्टार्टर सिग्नल, एडवांस स्टार्टर सिग्नल या इंटरमीडिएट स्टार्टर सिग्नल पर ये लगाया जाता है। तो उसको हम कहेंगे, अगर किसी सिग्नल में ये चीज़ लगा रहेगा संट सिग्नल, तो उसको कहेंगे डिपेंडेंट रूप से, ठीक है। इस जो अकेला रहेगा उसको इंडिपेंडेंट रूप से कहेंगे, और जो मतलब कि सिग्नल के साथ रहेगा तो उसको डिपेंडेंट कहेंगे। संट सिग्नल का मतलब होता है एक लोकोमोटिव को दूसरे कोच से जोड़ना या अलग करना, या एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में लाना, और बहुत अन्य कार्यों में ये काम आते हैं, ठीक है। या सहायक सिग्नल भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट रूप से, ठीक है, इंडिपेंडेंट रूप से। ये पहले एरो देखिए, ये एरो दर्शाता है कि कौन ट्रैक का है, ठीक है, यानी कि कौन ट्रैक का, जिस तरह से इधर भी ट्रैक है और इधर भी ट्रैक है, तो इस किस ट्रैक को दर्शाएगा, ठीक है। तो ये दर्शाएगा ये वाला को, ठीक है। ये बात को आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, एरो क्यों बना रहता। अब बात करते हैं संट सिग्नल का। तो देखिए, ऑन, ठीक है, ऑन पोजीशन में अगर ये दोनों लाइट जलेगी, ये दोनों, ठीक है, ये दोनों, तो इसका मतलब होता है आगे ट्रैक लॉक है, यानी कि उस ट्रेन को संटिंग के लिए नहीं लिया जाएगा, यानी कि संट नहीं करते जाना, यहाँ पर रुकना है इसको, इस सिग्नल के पहले इसको रुकना है गाड़ी को, ठीक है, ठीक है। अगर देखिए ऑफ पोजीशन में ये दोनों जलेगी, ये दोनों तिरछी लाइट, ठीक है, तो इसका मतलब कि आप संटिंग के लिए रेडी है, गाड़ी संटिंग करते हुए जा सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है संटिंग के लिए गाड़ी रेडी है और गाड़ी को आगे ले जा सकते हैं। यह इंडिपेंडेंट रूप से, ठीक है, इंडिपेंडेंट रूप से है ये हमारा। और डिपेंडेंट रूप से बात कर ले, मान लीजिए एक सिग्नल में, ये सिग्नल है हमारा, ठीक है, और यहाँ पर लगा हुआ है क्या संट सिग्नल, तो यह ऑन पोजीशन में कोई भी लाइट नहीं जलेगा, ठीक है, ऑन पोजीशन में कोई भी लाइट नहीं जलेगा, इसका मतलब है कि गाड़ी को वहीं पर ही वहाँ पर रोकना है, उसके आगे नहीं जाना है गाड़ी को, ठीक है, यहाँ पर गाड़ी को रोकना है, ठीक है। और ऑफ पोजीशन में देखिए, ऑफ पोजीशन में तिरछी लाइट इस तरह से, ठीक है, इस तरह से जलेगी तो माना जाएगा कि आगे संटिंग के लिए रेडी है, आप संटिंग करने गाड़ी को ले जा सकते हैं। तो इसी देख कर लोको पायलट समझते हैं कि संटिंग के लिए रेडी किया जा सकता है या नहीं। और इसकी स्पीड संट सिग्नल का, मतलब संट करते हुए गाड़ी को ले जाना, इसकी स्पीड 15-20 किलोमीटर पर आवर पर रहती है, 15-20, ज़्यादा नहीं, 15-20 किलोमीटर पर आवर रहती है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं रहता, यानी कि अगर ज़्यादा रहेगा तो एक्सीडेंट का चांस रहता है, क्योंकि मेन लाइन से ये लूप लाइन में गाड़ी जाती है यार्ड के लिए, ठीक है, ये गाड़ी यार्ड के लिए जाती है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि संट सिग्नल क्या होता है, ठीक है, और ये एरो क्यों दिया जाता है, ठीक है। इस वीडियो को आप समझ गए होंगे, ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि अच्छी तरह से समझ गए होंगे।
ठीक है, मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब के लिए जय हिंद।